और अब बात करेंगे किसानों से जुड़ी हुई। दरअसल मध्य प्रदेश की 230 अनाज मंडियां आज से बंद रहने वाली है। मध्य प्रदेश की 230 अनाज मंडियां आज से बंद रहेंगी। अनाज मंडियां अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई हैं। भोपाल इंदौर के साथ ही प्रदेश की सभी मंडियां बंद कर दी गई हैं। करीब 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। 230 अनाज मंडियों को बंद करने का फैसला लिया गया है। मंडी फीस 1.5 की बजाय 1% करने की मांग की जा रही है। निराश्रित शुल्क खत्म करने के समेत 11 मांग को लेकर व्यापारियों ने अब विरोध प्रदर्शन किया है और 25,000 व्यापारी इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। 230 अनाज मंडियों को आज से अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ेगा। मंडी फीस घटाने को लेकर भी ये विरोध किया जा रहा है। 11 मांगों को लेकर व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की 230 अनाज मंडियां आज से अनिश्चितकालीन के लिए बंद की गई हैं। व्यापारी मंडियों से अनाज नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।